गाइस परम अनुराग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लाए थ्री मूवी के क्लाइमेक्स सीन का रिएक्शन जो कि है धनुष और श्रुति हसन का। बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो धनुष का बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिख रहा था थंबनेल से, तो हमने सोचा ये वाला तो हम करेंगे जरूर। तो बस हम आ गए, आप भी देखो हम भी देखो, लेट्स स्टार्ट। हुआ क्या? काफी इमोशनल सीन लग रहा है। माफी मांग रहे हैं। थैंक यू। हमारे सबटाइटल्स ऑन है। ये धुन वही है ना। और वो आदल लोग यहाँ से वहाँ गई है क्या? ये पुरानी मूवी। कुछ बहुत बड़ी चीज हुई है। एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। ये उसको मारे खुद मर जाओ। ओहो खुद मरेंगे शायद, उसको नहीं मारेंगे, जहर ढूंढ रहे हैं। वो लेटर लिख रहे हैं, जैसे वो होते हैं ना साइड नोट लिख रहे हैं, बट इतने इजीली तो मर नहीं सकते। वो तो वहां थी पुरानी, शायद उनको याद आ रही है। ये कौन है? बार बार दिख रहे हैं इनको, शायद कोई घोस्ट या तो कुछ आत्मा, ऐसा कुछ कुछ उनको बीमारी भी हो सकती है कि दिखते हैं वो लोग, बट जो भी होंगे वो उनको मरने को कह रहे कि खुद मरो या तो उनको मारो, नहीं तो कुछ तो होगा, वो भी नहीं बताया क्या होगा। नहीं।
कब से रोए जा रहे वही रहे देवर लवर्स और फिर अब एकदम से वो इनमें से किसी एक को जाना होगा काइंड ऑफ पूरे सीन में वर्ड्स बहुत कम है लेकिन एक्सप्रेशंस बहुत भारी है हिम्मत भी नहीं हो रही है बट ये ना फिर उसकी जान बचानी है क्योंकि या तो वो या ये कोई रोक लो प्लीज अब आवाज आई इतनी देर से हाँ मोमेंट पे लाके एंड किया एकदम आई लव यू जननी करके उसने किया बट वही समझ नहीं आया कि कैसे मतलब वो मतलब उनको बचाने के लिए किया एंड वो दोनों कौन थे जो उनको कंटिन्यूसली कहते थे तुम या ये एंड अगर नहीं मरते दोनों के दोनों तो क्या हो जाता वो भी आप हमें जरूर बताइएगा बहुत बहुत क्यूरियोसिटी है कि भाई मतलब वो पूरा सीन ऐसे था कि बहुत ज़बरदस्त फिल्म आया गया था वो सीन में पूरा टाइम शांत एंड जस्ट थोड़े से वर्ड्स थे बट वही वर्ड्स और वो जो शांत और वो एक्सप्रेशन थे वो बहुत भारी पड़ गया मतलब पूरा टाइम एनग्रोस्ड रहा एंड वो मारने की कोशिश कर रहा था एक बार दो बार नहीं मारा गया एंड थर्ड टाइम अपने को मार ही दिया वो जैसे वो बच मतलब थोड़े टाइम पहले के यंग में वो दोनों अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहा करे होंगे बट फिर कुछ आया होगा वो क्या था वो बताएगा जरूर मतलब सीन बहुत सारी कहानियाँ बोल रहे हैं कि इसके पीछे बहुत कुछ है और ये सीन देखने के बाद तो धनुष की एक्टिंग का फैन हो गया हूँ मतलब जो बिना कहे तुम सामने वालों को कैसे समझा देते हो ना वो इसमें बता दिया क्योंकि इसमें डायलॉग जैसे इसने बोला डायलॉग्स बहुत कम थे और वो एक चीज समझ नहीं है कि स्टार्ट वहां से हुआ जहां पर वो लेटे हुए थे ठीक है उसके बाद में फिर एकदम से वो जब चेयर पे बैठ के लेटर लिख रहे थे तो वो उनको पुरानी याद आ रही थी क्या क्योंकि वो पुरानी वो रो रही थी कंटिन्यू या तो ये भी हो सकता है कि वो उसके बाद का सीन हो पर लेकिन दोनों सीन साथ आ रहे थे कि वो लिख भी जा रहे और वो रो भी रही हाँ हो सकता है कि ना हाँ वो इमेजिन करके रो सकते पर लेकिन वो जी एक समझ नहीं आई कि ना वो हो सकता है कि ना वो उसको बचाने के लिए मर रहे होंगे क्योंकि वो स्टार्टिंग में लेटी हुई थी और है ना उनके पास जाने वाले थे उतने में वो दोनों आ गए वो बाबा और वो लड़की दिखा रहे थे या तो खुद मर जाओ और उसके बाद में फिर डायरेक्ट उनका वो सीन आ जाते कि वो लेटर लिख रहे होते हैं तो यार ये थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे तो भाई वो तो ऑफिस में ही होंगे एंड वो तो लेटी पड़ी होंगी हाँ तो उनको तो था ही नहीं हाँ कि वो बाद में जाके उन्हें जब वो लेटर वो जो उन्होंने पॉकेट में डाली थी हाँ, वो हाँ, पड़ी होगी तब तब वो रोया होगा इनको समझ आ रहा होगा कि भाई ये जो था उन्होंने मूवी का नाम भी थ्री रखा हुआ हाँ, थ्री इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है थ्री क्यों रखा मूवी देखने का मन हो रहा है तो कि ना इसके पहले की स्टोरी क्या होगी इसमें इसका कुछ प्लॉट हमें थोड़ा समझाइएगा कि है कैसा बहुत एकदम क्यूरियोसिटी हो रही है बाकी तो जबरदस्त है मतलब अभी तक हम उसके मोशन में ही है बिल्कुल बस ऐसे ही आपको और कौन कौन सी जरूर बताइएगा और लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बाय।